मित्रों, अगर आप भी धन, नौकरी या फिर अपने व्यापार में इस समय मुश्किलों का सामना कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो अंत तक देखिएगा। मित्रों, हिंदू पुराणों में सूर्य पुत्र शनि देव को धर्मराज और न्याय का देवता कहा गया है। शनि देव लोगों को उनके बुरे कर्मों पर दंड देने के साथ ही शुभ फल भी प्रदान करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि मनुष्यों को उनके अच्छे या बुरे कर्मों का फल शनि देव ही देते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि देव की दृष्टि यदि आपकी राशि पर बिगड़ जाए तो आपको नौकरी व्यवसाय में कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और आपके घर की आर्थिक स्थिति भी कमजोर हो सकती है। यदि शनि देव आप पर प्रसन्न हैं तो आपको धन, नौकरी और व्यापार में उन्नति प्रदान करते हैं, साथ ही आपको आपकी सभी समस्याओं से मुक्ति भी दिलाते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित किया गया है। शनिवार को प्रातः स्नान कर शनिदेव की पूजा आराधना करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। यदि आपके जीवन में धन, नौकरी और व्यापार से संबंधित समस्याएं चल रही हैं तो हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताने जा रहे हैं जिससे शनिदेव आप पर प्रसन्न हो सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दान दाता बने, गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करने वालों पर शनिदेव की विशेष कृपा रहती है। अगर आप भी शनिदेव की कृपा चाहते हैं तो आपको भी दान पुण्य करते रहना चाहिए। शनिदेव की कृपा के पात्र बनने के लिए जरूरतमंदों को काले चने, काला तिल, उड़द दाल और स्वच्छ कपड़े सच्चे मन से दान करते रहना चाहिए। शनिदेव के यंत्र की पूजा करें। यदि आपके जीवन में नौकरी, धन या व्यापार से जुड़ी समस्याएं चल रही हैं, तो आपको शनिवार को प्रातः स्नान करने के बाद शनि यंत्र की पूजा अवश्य करनी चाहिए। इससे आपकी नौकरी या व्यापार से जुड़ी समस्त समस्याएं दूर होंगी और घर परिवार में समृद्धि आएगी। शनि मंत्र का जाप। ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए शनि मंत्रों का विशेष महत्व बताया गया है। शनि मंत्रों का जाप करना अत्यंत लाभकारी माना गया है। अगर आपको भी व्यापार या नौकरी में परेशानी आ रही है, इस मंत्र का जाप करके आपकी समस्त समस्याएं समाप्त हो सकती हैं। ओम सा शनिश्चराय नमः। कुत्तों की सेवा करें। वैसे तो हमें सभी जानवरों को प्यार करना चाहिए, लेकिन यदि आप शनिदेव की कृपा के पात्र बनना चाहते हैं तो आपको कुत्तों की सेवा अवश्य करनी चाहिए। कुत्तों की सेवा और देखभाल करने वालों से शनि देवता हमेशा प्रसन्न रहते हैं। कुत्तों को खाना देने और उनकी देखभाल करने वालों पर शनिदेव कभी रुष्ट नहीं होते हैं। ऐसे लोगों पर वे हमेशा अपनी कृपा बनाए रखते हैं। हनुमान जी की आराधना करें। श्री हनुमान जी और शनिदेव का आपस में एक विशेष नाता है। यदि कोई व्यक्ति हनुमान जी की आराधना करता है और उनको अपना इष्ट मानता है तो शनिदेव उस व्यक्ति के रक्षक बनकर हमेशा उसकी सहायता करते हैं। भगवान शिव की पूजा करें। भगवान शिव शनिदेव के गुरु माने जाते हैं, इसीलिए जो व्यक्ति भगवान शिव की आराधना करता है, शिवलिंग पर काला तिल डालकर जल का अभिषेक करता है, शनिदेव की कृपा उस पर सदैव बनी रहती है। मित्रों, अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखना न भूलें।